जाते हैं। हे गाइस, तो अब हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और इस वेडिंग व्लॉग में ना मैंने अपनी व्लॉग स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करी, पर मैं व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने तो भी एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी, अब मुझे पीछे से भाई गुस्सा करने लगे कोई फ़ोन छीन के ले जाएगा, तो व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अब हम बस वेन्यू में पहुँच गए, और वेन्यू का नाम मरीना ड्रीम्स था और हमारा फंक्शन ग्राउंड फ्लोर पर था। और ये अपने नाम की तरह इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जैसे लोग तो 2-3 घंटे से घूम रहे हैं, 4:30 के निकले हुए हैं। पता कहाँ का ले गया पंजाब वाले रोड में। और ये रोहन है, इससे तो मैंने आपको मिलवा ही दिया था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, इस वजह से मैंने उसको म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पे ये जो हमारे मैनेजर थे ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट थे, और मैंने इनको हाई और सबको पता होगा लड़कियों का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है, फ़ोटोज़ खिंचाना। फ़ोटोज़ अच्छे आनी चाहिए, फंक्शन में जाओ सबसे पहला काम यही करना है। तो कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग सृष्टि से नीचे रूम में मिलने चले गए, और ये हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है ना। आई ओपन करो भैया, देखना मेकअप मैं गुस्से में नहीं यार। शादी हो रही है, खुश हो जा। वेट करना, वेट करना, परेशान करो ना। रोहन तो डबल खुश है, एक बयान तो गई घर से, अब कमरा मिल जाएगा पूरा। अब शांति रहेगी थोड़ी, उसे देख ले क्या बोल रहा है। शिशु ने बारात आ चुकी है, सीधे करो सीधे। तो बॉडी मैम हो जाएगी ना 110%। थैंक यू। और ये टिक्की वाले भैया थे, इनकी टिक्की बहुत स्वाद थी। एक्चुअली हम चार लोग घूम रहे थे ना, तो हमने सब कुछ एक एक बाइट ही खाया था। और ये छोले कुलचे थे जो कि बहुत स्वाद लग रहे हैं दिखने में, और हमने नहीं खाए, और देख के मुझे लालच आ रहा है। और ये हमारी पाव भाजी है जो कि बहुत स्वाद थी, मुझे अभी तक याद है। और उसके बाद ये गोलगप्पे थे, नहीं ये तो चाट है, और गोलगप्पे उसके आगे काउंटर में थे, और उनका पानी बहुत स्वाद था, सब कुछ स्वाद था। और यहाँ हम चार लोग खाने में लगे हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिला खा के बराबर हो लो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमने इस बार कुछ खाया ही नहीं। तो ये जगह बहुत ब्यूटीफुल थी, ये यहाँ का सारा रिसेप्शन का एरिया है, और मैं सामने आपको शीशे में शूट करती हुई दिखाई दे रही होंगी। और ये ना जो बिल्डिंग थी, यहाँ का जो फर्नीचर था बहुत सुंदर था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरर्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ थी। और गाइस जो मैंने शूट करा ना, वो फ्रंट का हिस्सा है और बैक साइड का हिस्सा है, बीच का तो मैंने कुछ भी शूट ही नहीं करा। मैं वहाँ पर बहुत बिजी थी अपने कामों में, पता नहीं क्या कर रही थी, बहुत बिजी थी, पर मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करा। और बस और ये खुशी है, इससे तो आपने पहले ही मिल लिया था। तो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, और ये फैमिली फ़ोटोग्राफर है, मेरी मासी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, आप भी देख रहे हो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। सिद्धि को कभी कभी ब्लैकमेल करना पड़ता है कैमरे में हाइक करवाने के लिए भी। और ये हमारा मॉकटेल का काउंटर, जिसमें से मुझे कोई भी मॉकटेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सिर्फ एक मॉकटेल पसंद आई थी, पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, बस मैंने वही पी थी। यहाँ पे सृष्टि को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और लेकिन हम टूथपिक ही नहीं लेके आए, तो फिर मैंने उसको हाथ से खिला दिया उसके नील्स। काम बोल, तुझे काम क्या था? नहीं अभी ढोलक बजनी है। काम बोल, नहीं है। और यहाँ पे बारात आ गई थी, और हम लोग रिबन कटाई के लिए खड़े हुए।
रिबन के टाइम में मैं मेन में खड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्री हो गए तो हमने कहा चलो नाच लेते हैं। जयमल वगैरह हो गई थी और उसके बाद मुझे याद आया मैंने खाना तो शूट ही नहीं करा और हॉल जो था वो ऑलमोस्ट खाली हो गया था तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, बस मीठा वगैरह शूट कर लिया और थोड़ा बहुत खाना शूट करा। गाइस बहुत वैरायटी थी खाने की, तो बस इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।